आप जानते हैं बाला साहेब का एक संबंध रहा है नासा के साथ में, जिस तरह के उनके कार्य रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी, हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुएंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ओम शांति शांति शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक MIT, Indian Student Parliament, Mr. Rahul Karad ji, for inviting me here on the very auspicious occasion of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. Arise, awaken, and do not stop until you achieve your goal. मैं एक विदर्भ के छोटे से गांव से हूँ। बचपन में मैं पेड़ के नीचे पढ़ा, बाद में इंडिया में पढ़ा, US में पढ़ा, बट आप सबके दिल में जो एक चाह है कि अपने देश के लिए कुछ तो करना है। राइट नाउ इन कंट्री वी आर सींग दिस एंगर दैट वी वॉन्ट टू डू समथिंग। मेरे भी दिल में ऐसा था। आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विथ नासा, डॉक्टर कलाम जी एंड प्रेसिडेंट ओबामा टू। बट एक बचपन से अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ तो करने की एक चाह थी, और आज मेरा परिचय राजनेता के रूप में दिया है, मगर मैं खुद को एक क्रांतिकारी बोलता हूँ। आज जब मैं US से इंडिया में आया, तब दो चीज़ें थी, रूरल डेवलपमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट। दिस वर द टू थिंग्स हाईली डिस्कस इन यूरोपियन पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट्स। युवकों के माध्यम से गांव में हाउ वी कैन डू रूरल डेवलपमेंट। बट जब देखा दैट टाइम देर वर लॉट ऑफ एंटी करप्शन मूवमेंट्स इन द कंट्री, तब मैंने एक महसूस किया आज भारत में समाज सेवकों से ज्यादा क्रांतिकारियों की जरूरत है, एंड वी नीड अ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन टू। व्हेन आई स्टार्टेड इलेक्शन माय स्लोगन वाज न जात न पात न पक्ष, ग्राम परिवर्तन एक ही लक्ष्य, आता बदल निश्चित। आई बिलीव इन आइडियोलॉजीज मोर देन आइडल्स राइट नाउ बिकॉज लॉट ऑफ हाउ थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री। सो माय मैसेज फॉर द यूथ, आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू दिस मैसेज दैट democracy is still alive, there are good people, we need alternatives. People right now situation, people do not have faith in any of the party people, current politicians. We need, at the same time, we need good people in all the parties, and that you can do as an independent too. If I can do, being from a small village, then definitely I strongly believe all of you, we all can change this country. So be the change you want to see in the society. Thank you very much, MIT.